उसे खबर तक नहीं कि वो लोग उसे पसंद करने आ रहे हैं। आप लोग कब तक पहुंच रहे हैं? बस एक आध घंटे में। सुनो, उसे कोई शक तो नहीं हुआ ना? नहीं नहीं, मैंने उसे कुछ नहीं बताया। अच्छा शालिनी जी, मैं फोन रखती हूँ। ओके। वृंदा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। How could you do this? Just because you are related to a celebrity? क्या? क्या? अब इतना भोली बनने की भी जरूरत नहीं है। Just because I'm famous, तुम्हें लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मैंने सब कुछ सुना है। उसे पता नहीं है कि उसे लोग देखने आ रहे हैं। Just because I'm famous, I think तुम मेरा exhibition ही रख दोगी इस घर में। Anyway, now that my fans are coming to see me, I think I need to put some makeup. See you. अच्छा हुआ रेवती भाभी अपना होश खो बैठी है, वरना पता नहीं और क्या गुल खिलाती। हे भगवान, आपने तो मुझे बचा ही लिया। वो लोग आ रहे, मेरी खुशी को पसंद कर ले बस। जबरदस्ती के रिश्ते मुट्ठी में भरे हुए रेत की तरह होते हैं। जितना जोर से दबाओ, उतनी जल्दी ही मुट्ठी से रेत फिसल जाती है। खुशी, क्या सोच रही हो? खुशी, मैंने आर्यन की दुल्हन बनने का कितने बरसों इंतजार किया है, और आज जब वो लम्हा मेरे सामने है, मुझे इतना दुखी हो रहा है। ये तो बहुत हैरानी की बात है, तुम दुखी क्यों हो? अरे, सब कुछ तो वैसा ही हो रहा है जैसा तुम चाहती हो। कल इस वक्त तुम आर्यन की हो जाओगी, तुम्हारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे, और इस बात की खबर सिवाय मेरे और किसी को नहीं है। और जिस इंसान को है भी, वो इस बात से खुश नहीं है। आज भी मुझे याद है कई साल पहले की वो रात, जब मैं और आर्यन शादी करने के लिए साथ निकले थे। मैं बहुत डरी हुई थी, और आर्यन वो कितना खुश था कि मैं बता ही नहीं सकती। और आर्यन को इस तरह खुश देखकर मैं भी खुश थी, बहुत खुश। वो हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा पल था, और आज जब वो पल हमारे सामने है, तो आर्यन को इस बात की कोई खुशी नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि गुरुजी की कही हुई बात सच है? अगर तुम इतनी ही परेशान हो, तो अपने कदम आगे क्यों बढ़ा रही हो? भूल क्यों नहीं जाती तुम सब? जाने दो आर्यन को दुर्गा के पास, और तुम एक किनारे खड़े होकर देखो अपनी जिंदगी को खत्म होते अपनी आंखों से। सुन नहीं पा रहे हो ना ये सब? तो बेकार में परेशान क्यों हो रहे हो तुम? प्यार तो ऊंचे पहाड़ भी हिला सकता है, और उसी की ताकत से तुम यहां मौत को झुटलाकर वापस आई हो। खुशी, आर्यन तुम्हारा ही है। हाँ, और अगर वो इस वक्त खुश नहीं है, तो ये तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम उसे अपने प्यार की याद वापस कराओ। तुम ठीक कह रही हो, मैं हिम्मत नहीं हार सकती, बिल्कुल नहीं। मेरी और आर्यन की शादी को कोई नहीं रोक पाएगा। हमारी शादी होकर रहेगी। नमस्ते जी। नमस्ते। आइए आइए, बैठिए। रोहित, ये वृंदा है, खुशी की मम्मी, और ये है रोहित। मैं अपनी मंजिल के कितने करीब हूँ, कितने करीब। कल इसी वक्त मैं अपने आर्यन की पत्नी बन जाऊंगी। खुशी, तुम अब तक रेडी नहीं हुई हो? वो लोग तो आ भी गए हैं। तो आप मिल लीजिए उनसे। ओह माय गॉड, तुमने सोचा भी कैसे कि मैं पहले जाऊंगी? मुझे पता है सेलिब्रिटीज ऑलवेज कम लेट, ओके? पहले तुम जाओगी, और तुम इतना वक्त क्यों लगा रही हो तैयार होने में दुल्हन की तरह? कम ऑन, गेट रेडी एंड कम फास्ट। या तैयार तो मैं हो जाऊंगी रेवस मम्मी, लेकिन आज के लिए नहीं, कल के लिए। वैसे यहाँ और वहाँ के कल्चर्स में तो बहुत फर्क है।
यहाँ कैसा लगा बेटा? अच्छा लग रहा है आंटी, यही तो हमारी जड़ें हैं, यहाँ की रस्में और रीति रिवाज, यही तो हमारी खूबी है। खुशी भी यही कहती है, सारी रीतियाँ सारी रस्में निभाती है वो। खुशी के बारे में हम इतना सुन चुके हैं कि अब उसे देखने की बहुत जल्दी हो रही है हमें। क्यों रोहित? वैसे सच कहूँ तो हमारे घर में बस एक बहू की कमी रह गई है। हम अभी खुशी को लाते हैं। हाँ, चलिए। कैसी बातें कर रहे हैं आप? वो मेरी भी तो बेटी है, बस आज शादी की तारीख तय हो जाए। भगवान करे ऐसा ही हो। वैसे मैंने खुशी से कहा था तैयार होकर बैठने के लिए, चलकर देखें। चल चलिए। खुशी, ये क्या हो रहा है मुस्कान? ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? मेरी हल्दी की रस्म चल रही है। हल्दी की रस्म? हाँ मन्ना, कल मेरी शादी जो है। ये तुम क्या कह रही हो, तुम्हारी शादी और कल? हाँ मम्मा, ये सच है, कल मेरी शादी हो रही है। खुशी, होश में हो तुम? कैसी बातें कर रही हो, ये क्या पागलपन है? मन्ना, इसमें इतना नाराज होने वाली क्या बात है, सब कुछ तय है। और तय? तुम्हारी बातें सुनकर मुझे डर लगने लगा है। वहां बाहर लड़के वाले बैठे हैं और यहां तुम? लड़के वाले? ओ, तो मुझे इसके बारे में किसी ने क्यों नहीं बताया? ऐसा कुछ नहीं है मुस्कान, वो तो हमसे मिलने आए थे, हमने सोचा कि अगर कोई बात बन जाती है तो, इसीलिए तुम्हें नहीं बताया। अगर आप मुझे पहले बता देते तो मैं मना कर देती, है ना? वैसे आप दोनों अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं ना? मैं भी अपनी मन्ना और मम्मा को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, इसलिए मैंने अपनी शादी के बारे में आपको नहीं बताया। बस बस, बहुत हो गया तुम्हारा ये नाटक, चलो बाहर और उनसे एक बार मिल लो। मन्ना, आप आपको समझ क्यों नहीं रही है? मैं उनसे नहीं मिल सकती, कल मेरी शादी जो हो रही है। ये क्या शादी शादी की रट लगा रखी है, और ये सब अचानक कैसे हो गया? कौन है वो जिससे तू शादी करने जा रही है? हाँ, कौन है जिससे शादी करने का फैसला तूने अकेले ही किया है? मम्मा, जो कुछ भी हो रहा है उसका फैसला अचानक नहीं हुआ है, वो तो मेरे नसीब में ही था। मेरी शादी आर्यन के साथ होने वाली है। एक्चुअली शालिनी जी, प्लीज डोंट माइंड, लेकिन आपके वो गेस्ट है ना, वो भी थोड़े से वियर्ड और फनी है, यू नो। मुझे लगा मेरे फैंस हैं, मुझे मिलने आए हैं, तो मैं खुद उन्हें मिलने चली गई, लेकिन पता नहीं बड़ा अजीब बिहेव कर रहे थे और शायद मुझे देख के नर्वस हो गए होंगे, यू नो। बार बार मुझे पूछ रहे थे शालिनी जी कहाँ है, वृंदा जी कहाँ है। आई गॉट सो कंफ्यूज्ड, मैं बुलाऊं नहीं यहाँ? नहीं नहीं, आप चलिए, हम भी वहीं आते हैं। ओके, आई गो देन। शालिनी जी, अब बाहर जाकर मेहमानों से क्या कहेंगे? मन्ना, अब ये जवाब आप सोचिए, आपने अपने इन मेहमानों को मुझसे पूछकर तो इनवाइट नहीं किया था ना? भाई साहब, वो क्या हुआ ना कि अचानक इतना बुखार हो गया खुशी को कि वो बैठ भी नहीं सकती है। वो क्या है ना कि बुखार में वीकनेस हो जाती है, तो वो बेचारी। नहीं नहीं शालिनी जी, कोई बात नहीं, अब आप भी कहाँ जानती थी कि इस तरह से बुखार हो जाएगा। आप उनका ध्यान रखिए, हम लोग चलते हैं। नमस्ते। आप दोनों तो ऐसे बिहेव कर रही है जैसे आपको मेरे और आर्यन के रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं पता। मन्ना, आपसे तो कुछ भी नहीं छुपा है,
और आप मम्मा, आपको याद है पिछली बार आप मेरा रिश्ता आर्यन के साथ करने के लिए तैयार थी? हाँ याद है, मगर वो तुम्हारे पिछले जन्म की बात थी। तुमने आकर ये कहा था कि तुम आर्यन से शादी करना चाहती हो और हमने भी हामी भरी थी, मगर इस बार ऐसा नहीं है मुस्कान। इतने सालों में बहुत कुछ बदल गया है। अब आर्यन के बारे में सोचना भी तुम्हारे लिए गुनाह है। पता नहीं इस बात का एहसास तुम्हें क्यों नहीं होता। और क्या आर्यन ने इस शादी के लिए हाँ कर दी? अरे पगली, उसकी जिंदगी में उसकी पत्नी दुर्गा है। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? और ये आर्यन के अकल को क्या हो गया? मन्ना, जिसे आप मेरा दिमाग खराब होना कह रही है ना, उसे मैं अपनी मंजिल पर नजरें टिकाए रहना कहती हूँ। और इसलिए आर्यन को भी धीरे धीरे अकल आनी शुरू हो गई है। और रही बात दुर्गा की, आर्यन ने उसे तलाक दे दिया है। आप ही बताइए मन्ना, है कोई कारण जो मेरी और आर्यन की शादी को रोक सकता है? रोक सकता है? मैं तुम्हें रोकूंगी मुस्कान। आज से, अभी से तुम यहां नहीं, मेरे पास रहो। मैं देखती हूं कि तुम्हारे सर से आर्यन के इश्क का भूत कैसे नहीं उतरता। कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारी और आर्यन की शादी नहीं होने दूंगी। मम्मा, जब तक तुम्हारा दिमाग ठिकाने नहीं आता तुम यही रहोगी, समझी? बस बहुत कर ली तुमने अपनी मनमानी, अब तुम अपने बड़ों की, अपने माँ बाप की बात सुनोगी। ये क्या हो रहा है? पहले तो तुम ऐसी नहीं थी, आज तुम अपनी माँ की बात को इनकार कर रही हो, क्यों? क्योंकि हमने हमेशा इसे वो करने दिया जो इसने चाहा, इसीलिए इसके कदम गलत रास्तों पे चले गए जो इसके लिए ठीक नहीं है। पर याद रखो मुस्कान, जब कोई बच्चा जिद करके वो काम करे जो उसे बर्बादी की तरफ ले जाए, तो माँ बाप को भी सख्ती से पेश आना चाहिए जिसके लिए तुम मजबूर कर रही हो हमें। अब तुम तब तक इस कमरे में बंद रहोगी जब तक तुम अपने अतीत से नाता नहीं तोड़ लेती। आप मुझे मेरे अतीत से अपना नाता तोड़ने के लिए कह रही है, सब कुछ भूल जाने के लिए कह रही है, पर मम्मा आप खुद ही तो मुझे एक बार फिर से मेरे अतीत के दहलीज तक ले आई है। ये वही कमरा है जहां से मैं आर्यन के साथ भाग गई थी। ये वही कमरा है जहां मैं किसी और की दुल्हन बनी तैयार खड़ी थी, और तब मुझे ये एहसास हुआ था कि मैं सिवाय आर्यन के और किसी के नहीं हो सकती। और आज 20 साल बाद मैं फिर से एक बार उसी कमरे में हूं। मेरी शादी की एक रात पहले मेरे दिल में, दिमाग में बार बार वही ख्याल आ रहा है कि मैं सिवाय आर्यन के और किसी की नहीं हो सकती। मैं सिर्फ आर्यन की हूँ, सिर्फ आर्यन की। मुझे सिर्फ तुमसे, तुम्ही से प्यार है, तुम्ही मेरा प्यार हो, तुम्ही दिल का करार हो, जाने मन जाने जा, तुम बिन जा जाओ कहां। कल मुझे मुस्कान के साथ एक बंधन बांधना होगा, और ऐसा लग रहा है जैसे कि इस बात को कोई नहीं रोक पाएगा। रोक दिया था 20 साल पहले किस्मत ने हमारे मिलन का रास्ता रोक दिया था, मगर इस बार हमें कोई नहीं रोक पाएगा, मम्मा आप भी नहीं।
मेरी और आर्यन की शादी होकर ही रहेगी। क्या आर्यन शादी कर रहे? ये आप क्या कह रहे हैं वृंदा जी? मैं सच कह रही हूँ, मुझे भी थोड़ी देर पहले ही पता चला, इसलिए आप लोगों के पास चली आई। शायद आप लोग उन दोनों को समझा सके, पर ये शादी मुमकिन ही नहीं है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वृंदा जी, आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। आर्यन और खुशी? यही चिंता तो मुझे भी खाई जा रही है। खुशी तो नादान है और इसलिए उसने ये फैसला लिया, लेकिन आर्यन ने यह फैसला कैसे किया? नहीं, आर्यन ऐसा गलत फैसला कभी नहीं ले सकता। मैंने ये फैसला लिया है, इसमें खुशी की कोई गलती नहीं है। खुशी से शादी का फैसला मैंने अपनी मर्जी से लिया है और ये शादी भी मैं अपनी मर्जी से ही कर रहा हूं। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? ऐसा बेहुदा फैसला करने का तुमने सोचा भी कैसे? आर्यन, मैं मानती हूँ कि खुशी के हमारे परिवार पर बहुत एहसान है, लेकिन उसकी कीमत शादी तो नहीं हो सकती। मुझे तो लगा था कि दुर्गा को तलाक देना महज एक गलतफहमी है, जो वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगी, लेकिन तुमने तो रिश्तों का मजाक ही बना लिया है। क्या वजह है कि तुम खुशी के साथ शादी कर रहे हो? हाँ, जवाब दो। खुशी के साथ अचानक शादी करने की ऐसी क्या जरूरत और मजबूरी है तुम्हारी? आर्यन, तुमने कहा था कि 3 ही दिन में बातें और हालात बदल जाएंगे, यहां तक कि तुमने जिंदगी बदलने का दावा किया था। तुम्हारे कहने का मतलब यही था ना कि तुम दुर्गा को तलाक देकर खुशी से शादी करोगे? मगर क्यों आर्यन, दुर्गा के प्रति इतने सालों का प्यार, विश्वास अचानक कहां गायब हो गया? इतने छोटे अरसे में खुशी ने तुम्हारी जिंदगी में इतनी अहम जगह ले ली, क्यों आर्यन, क्यों? अब कोई जवाब क्यों नहीं है तुम्हारे पास? ये आपको कोई जवाब नहीं देगा। आपके सारे सवालों के जवाब मेरे पास है। भैया, आप बार बार आर्यन से पूछ रहे ना कि आर्यन खुशी के साथ शादी क्यों कर रहा है, और आपने कहा कि खुशी के हमारे परिवार पर बहुत सारे एहसान हैं, तो क्या उन एहसानों का बदला चुकाने के लिए शादी करना जरूरी है? और पापा, आपने कहा कि आर्यन ने रिश्तों को मजाक समझ लिया है, अगर सच्चाई ये नहीं है, और सच्चाई ये है कि आर्यन और खुशी की शादी एक पुरानी कहानी का पहले से लिखा गया अंत है, ये वो संबंध है जो बहुत पहले लिखा जा चुका है। ये कहानी 20 साल पहले शुरू हुई थी। आर्यन और खुशी की शादी इसलिए हो रही है क्योंकि खुशी कोई और नहीं, पिछले जन्म की मुस्कान है। वो फिर जन्म लेकर इस दुनिया में सिर्फ आर्यन के लिए वापस आई है। उन दोनों का मिलन पूरा होने जा रहा है जो बरसों पहले अधूरा रह गया था। मैं ये भी तो नहीं कह सकता कि ये सब झूठ है, सिर्फ इसलिए नहीं कि मुस्कान ने मुझे मना किया है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये सच है। वो इस दुनिया में दोबारा जन्म लेके इसलिए आई है क्योंकि मैंने उसे वापस बुलाया। आज मुझे अपनी उस गलती का एहसास हो रहा है कि जिसे भगवान अपने पास बुला लेता है, उसे हम इंसानों को वापस बुलाने का कोई हक नहीं है। दीन तना ना 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 दीन त